हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत प्रदेश भर के 18,000 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने बताया कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन में पूरे प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहा है और मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा समाज में अतुलनीय योगदान दिए जाने वाले लोगों को डिलीट की उपाधि भी दी जाती है। इस बार 3 लोगों को उपाधि दी गई है। इसके अलावा 28 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, पद्मश्री बसंती देवी और नंदलाल भारती को मानद उपाधि भी दी गई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इसमें 18,000 शिक्षार्थियों को डिग्री दी जा रही है। 3 मानद उपाधि श्री कल्याण सिंह रावत, जो पद्मश्री हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में मैत्री आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, उनको दी जा रही है। श्रीमती बसंती देवी, जो कि महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है और एक बाल विधवा होकर के महिलाओं को जागृत करने के लिए उत्तराखंड में चंपावत के रहने वाली हैं, काम किया है तथा पद्मश्री प्राप्त हैं, उनको डिग्री दी जा रही है। तीसरा, जौनसार क्षेत्र के लोक कलाकार जिन्होंने 56 देशों में जौनसार की संस्कृति लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया, उनको मानद उपाधि प्रदान की जा रही है। बहुत ही अच्छा प्रयास मुक्त विद्यालय कर रहा है और लगातार लगातार और लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दीक्षांत समारोह यहाँ पर है, जिसमें माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, मैं भी दीक्षांत समारोह में ही शामिल होने के लिए आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल साहब को आना था, अभी तक मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है, अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर मौसम ठीक हुआ तो वो भी यहाँ पहुँचे। ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और सभी अपने जितने भी कार्य परिषद के लोग हैं यहाँ के बच्चे, उनको अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ कि उनका दीक्षांत समारोह हर साल की तरह इस बार भी हो रहा है और हजारों बच्चों को आज डिग्री दी जाएगी। देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया कि अब जो डिग्री डिजी लॉकर के माध्यम से भी अब छात्रों को दी जाएगी।